मेरा नाम अजय मधुकर है, मैं अच्छा हरियाणा से हूँ और इस मूवी में मेन लीड कर रहा हूँ। मेरा नाम दिव्या चौहान है और मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैं मेन एक्ट्रेस का रोल कर रही हूँ। बताइए इस फिल्म का सब्जेक्ट क्या है और किसने किरदार किया है आप? मैं इसमें एक मेरे किरदार में वैरायटी है, एक पहले भोला भाला सीधा साधा इंसान हूँ, फिर उसके बाद माफिया में मतलब मैं बन जाता हूँ और फिर उसके बाद दोबारा मैं मतलब उसको माफिया से हट के दोबारा सीधा आदमी बन जाता हूँ। इसमें मेरा रोल बहुत मॉडर्न है, बिल्कुल एक मॉडल टाइप लुक है और मैं मतलब पहले से एक मॉडल हूँ। मैं मिस चंडीगढ़ 2016 सेकंड रनर अप बन चुकी हूँ और मिस नॉर्थ इंडिया 2016 फर्स्ट रनर अप हूँ और अभी क्रिएटिव मिस इंडिया की फाइनलिस्ट हूँ, शो अभी है। तो मेरा किरदार भी इसमें वैसा ही। तो ये बताइए आज का क्या सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो रहा है, कौन सा गाना है, क्या सिचुएशन है? सॉन्ग रिकॉर्डिंग अभी सर करा रहे हैं तो सॉन्ग्स मैंने सुने, बहुत अच्छे हैं। रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, मिक्स सॉन्ग्स हैं, इवन आपके आइटम सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स बहुत अच्छे और जो उनकी लोकेशंस हैं वो बहुत ही अच्छी है। लाइक एक बॉलीवुड टच जो होता है ना उस लेवल तक का है। ये बहुत अलग भोजपुरी होने वाली है, जो मैंने आज तक जितनी भी भोजपुरी देखी मैं देख रही हूँ आजकल, तो उससे बिल्कुल अलग होने वाली है। आपको बहुत अच्छी लोकेशंस मिलेगी देखने के लिए, आपको बहुत डिफरेंट सा टच मिलेगा जो आज तक शायद आपने किसी भोजपुरी मूवी में नहीं देखी होगी। और मैं भले ही मैं शिमला से हूँ और मैं पूरा का पूरा एक भोजपुरी टच देने वाली उस मूवी के लिए। कोई डायलॉग बोलना चाहेंगी? कोई हाँ, डायलॉग हाँ अभी तक मैंने एक किया है। अखिन से ना दिल से देखने की कोशिश करी, रहुआ सगरी महफिल भरल लागे का मिली। ये बताइए कैसा सफर रहा आपका? आप जहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, मुंबई कैसा लगा आपको? क्या लगा कि यहाँ पे जो कलाकार होते हैं कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना चांस मिलता है? मुंबई में अभी तक तो सिर्फ टीवी में और फिल्मों में देखा है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सबको, बट जो मतलब हमने स्ट्रगल किया है उसके लिए मतलब इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जो मतलब यहाँ के लोग करते हैं। अच्छा, और किस तरह का किरदार आगे चल के निभाना चाहेंगे और किसे आइडल मांगते हैं इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं मुंबई में, शाहरुख, सलमान, आमिर? मेरा आइडल जो है वो गोविंदा जी हैं। अच्छा, और मैं उनके जैसे ही किरदार करना चाहता हूँ। आप बताइए, आप शिमला से हैं, शिमला इतना खूबसूरत जगह, आप भी काफी खूबसूरत हैं, यहाँ का सफर कैसा रहा आपके लिए मुंबई में? मुंबई का सफर मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, कैमरा, क्लाइज, कैसे रोल करना है, कैसे एक्शन करना है, कैसे बातें करनी है, सब कुछ मतलब एक न्यू, सब कुछ एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो गया, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, कैटरीना, दीपिका, इतनी बड़ी स्टार्स हैं, आइडल किसे मानते हैं और किस तरह का किरदार निभाना चाहेंगे फ्यूचर में? पहले तो मैं सिर्फ आइडल जैकलिन को मानती हूँ और बिकॉज मेरे को बहुत सुंदर लगती है, और एक बार किरदार निभाने के लिए वो मैं नेचुरल रहना चाहती हूँ, मैं अपना परफेक्ट देना चाहती हूँ, अपना बेस्ट देना चाहती हूँ, किसी को फॉलो नहीं करना चाहती, मैं ऐसा बनना चाहती हूँ कि लोग मुझे फॉलो करें। थैंक यू। रणवीर सिंह इज अ प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म, फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, आई एम एसोसिएट प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म। I am Bahal Singh. I am a director of this film. Dancing director. Yes. तो फिर आपसे पूछूंगा producer के तौर पे ये project के बारे में बताइए कि क्या project है और किस तरह से लोग इससे मतलब जो प्रदीप बैगी तो कैसा रहेगा response? सर, रिस्पांस तो अच्छा ही रहेगा और प्रोजेक्ट एक डिसेंट मतलब प्रोजेक्ट है और एक बहुत वो वेलगैरिटी नहीं, एक साफ सुथरी चीज़ को, क्योंकि भोजपुरी को मैंने देखा कई चैनल्स पे, कई जगह, तो वहाँ से इंस्पायर हुआ हूँ मैं, नॉट अ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से, रूटीन इंडस्ट्री से, तो मैंने देखा भोजपुरी को भी कई जगह लोग अच्छी तरीके से यूज़ करके अच्छी TRP ले रहे हैं, तो क्यों ना अगर हम भोजपुरी को उस तरीके से यूज़ करें जो इसकी मिठास है, तो एक अच्छी फिल्म बनेगी तो लोग उसको भी देखेंगे, तो मतलब सब्जेक्ट बहुत कुछ इस इन चीजों से रिलेट करता है, तो दैट्स व्हाई। दोनों कलाकार यहाँ पे, कलाकारों को जो चयन किया है उसके बारे में बताइए। मैं बताता हूँ आपको, अजय जी बहुत अच्छे एक्टर हैं और थिएटर किया है इन्होंने, और जब हमने लुक टेस्ट किया है, बेसिकली इसमें कोई ये नहीं यारी दोस्ती वाली कोई बात नहीं है, हमने लुक टेस्ट लिया प्रॉपर और कैरेक्टर करा के देखा, तो ही इज अ बेस्ट। तो फिर अब डांस डायरेक्टर बताइए, भोजपुरी ही इज अ डांस डायरेक्टर, ही इज अ फिल्म डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर भोजपुरी फिल्म का स्टैंडर्ड आता है इस तरह से है, और आगे अगर राइज करना तो क्या करना चाहिए? भोजपुरी का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए हम ये फिल्म बना रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, इसके लिए ही इज फ्रॉम पंजाब। अच्छा, और पंजाब के हो क्या भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं, कुछ चैलेंज रहा क्योंकि कल्चर आपका पंजाब का है? और नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने और भी हिंदी भी की है फिल्म, यानी कि भोजपुरी में पहली फिल्म। लैंग्वेज और डेलीकेट के बारे में बताइए, भोजपुरी लैंग्वेज थोड़ा समझ लेते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताइए प्रोड्यूसर के तौर पर कितना बड़ा आप रिस्क मानते हैं, क्योंकि फिल्म बिजनेस ही रिस्की है और भोजपुरी फिल्म ये रिस्की तो नहीं है। अच्छा,
तो आगे चल के किस तरह के प्रोजेक्ट करेंगे आप, मतलब भोजपुरी करेंगे, हिंदी करेंगे, क्या इसके आगे चल के हिंदी करेंगे? अच्छा, हाँ जी, भोजपुरी हम कंटिन्यू करते रहेंगे क्योंकि भोजपुरी अगर अच्छी चीज़, ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा लगा के रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू कि आप टेंशन लेके सब्जेक्ट वही ख़त्म कर दो, अच्छा सब्जेक्ट लेके एक नॉर्मल बजट लेके आप काम करो तो रिस्पांस आपको मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक फिल्म बनाओ उसके बाद दोबारा हम आएंगे, नहीं, हम उस चक्कर में नहीं, हमारा प्रोडक्शन अपना है, हमारा सब कुछ अपना है और हमारी प्योरिटी भी अपनी है, ठीक है, और जहाँ तक हम उन चीज़ों से दूर हैं तो हमें यह है कि कंटिन्यू 2-3 भोजपुरी तो साल में हम करेंगे करेंगे। सबसे पहले जी पूछना चाहूंगा कि थोड़ा बैठा हुआ आने में कहाँ बिजी थे, क्या कर रहे थे? ये सब बात, ये सब कोई मतलब थोड़े न समझा कर ये जी, ये बताइए इस फिल्म के बारे में कि किस तरह के गाने हैं और क्या बोले गाने के। नमस्कार आप सब लोगों को, R.PM कौर फिल्म प्रेजेंट्स, पंडित माफिया फिल्म का नाम है जिसके गीतकार हैं हमारे बाबा बाबर अली खान। अच्छा, जिसके गीतकार हैं बाबर अली खान और संगीतकार, दो संगीतकार हैं इसमें, एक तो मनी बच्चन और दूसरा विक्रमजीत रांझा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं हमारे रणवीर सिंह साहब हैं, आइए रणवीर सिंह साहब, और डायरेक्टर जो है हमारे डायरेक्टर साहब भी हमारे बहाल साहब सामने हैं, आज हीरोइन हमारे सामने है दिव्या चौहान जी, अजीज जी है। आप हीरो हैं जी, वाह वाह, आप हीरो हैं, और आज गाने का रिकॉर्डिंग होगा और अच्छा हुआ कि आप सब लोग आए, मीडिया वाले पहले आए और आप लोगों ने शुरुआत की, मुहूर्त की आज। मेरी शुभकामनाएं हैं कि पंडित माफिया जो फिल्म आप सब लोग बना रहे हैं वो फिल्म म्यूजिकल सुपर डुपर हिट हो। ये बताइए किस तरह के गाने हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो आजकल संगीत दिया जा रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे गायक के तौर पे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे डिपेंड होता है, अगर निर्माता निर्देशक सिचुएशन अच्छा निकाले, फिल्म की स्टोरी अच्छी हो और उस स्टोरी को समझ के कि मुझे इस तरह का म्यूजिक चाहिए, इस तरह का गाना चाहिए, तो वो अच्छा काम म्यूजिक डायरेक्टर से ले सकते हैं क्योंकि दोनों म्यूजिक डायरेक्टर गुणी हैं, हमारे लिरिक्स राइटर साहब भी गुणी हैं, तो इतने अच्छी टीम जो है R.PM कौर फिल्म्स जो टीम है, ये टीम बड़ा ही अच्छा है। टीम तो सभी अच्छे होते हैं लेकिन ये जो टीम है, मैं इस टीम के तमाम लोगों को, तमाम कलाकारों को बधाइयां देता हूं और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे भी इस फिल्म में आज गाने के लिए याद किए, मुझे खुशी है इस बात की। जी गायिका गायकी में तो आपका इतना बड़ा नाम है, इतने साल से आप इतना बड़ा नाम है, लेकिन गायक के तौर पे आपको कभी कभी लगता है कि अभिनेता में भी, अभिनय में भी हाथ आजमाना चाहिए आपको? देखिए अपनी तारीफ करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं जब बॉम्बे में स्ट्रगल खत्म नहीं होती, आज भी स्ट्रगल है, हर किस्म के स्ट्रगल होते हैं, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल। आज ऐसा दौर है कि इतने साल स्ट्रगल करने के बाद आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला, पूरी फिल्म इंडस्ट्री का प्यार आशीर्वाद मिला, जिसकी वजह से मैं उदित नारायण बना। और आज मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहूंगा कि इतना जो प्यार और जो चाह है मेरे गाने के प्रति आप लोगों का, वो कभी खत्म नहीं होगा, ये मैं ऊपर वाले से विनती करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि मेरी आवाज को तरोताजा रखे और मैं और भी मेहनत करूंगा, इतना ज्यादा मेहनत करूंगा कि जैसे बड़े बड़े सिंगर्स लता जी, आशा जी, रफी साहब, किशोर दाम, इन्होंने जो काम किया तो हम लोग भी कम से कम उनके धूल के बराबर भी कर लें तो हमें बहुत खुशी होगी इस बात की। थैंक यू।